हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, अपने यूट्यूब जो है अपने प्लेटफॉर्म को हमेशा अपडेट करता रहता है, कुछ ना कुछ नया चीज़ आते रहता है। उसी तरह से दोस्तों, अभी यूट्यूब का आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब का एक एप्लीकेशन आता है YT स्टूडियो, जहाँ से आप अपने चैनल के बारे में एनालिटिक्स सारा जान सकते हो। वॉच टाइम कितना है, व्यूज़ कितना है, सब्सक्राइबर कैसा गेन हो रहा है, अर्निंग कैसा हो रहा है, सब कुछ आप वहाँ से जान सकते हो YT स्टूडियो ऐप। सो दोस्तों, अभी YT स्टूडियो ऐप पे आज सुबह सुबह ही बहुत सारा अपडेट्स आया है। बहुत सारा में से जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है दो, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो अपडेट क्या है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या है, और वो इंपॉर्टेंट भी है। और काफ़ी सारा आप सबका कमेंट्स भी सुबह से आना शुरू हो गया है मेरे पास ये अपडेट होने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको YouTube से रिलेटेड आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट या किसी और गेम पे इंटरेस्ट है तो दोस्तों अब वक्त आ गया है अपने इंटरेस्ट का यूज करके पैसे कमाने का। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है डफावेट। दोस्तों डफावेट एक ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है जहाँ पर आप लोगों को गेम्स के साथ साथ स्पोर्ट्स बेटिंग, ऑनलाइन कैसीनो और ऑनलाइन पोकर की भी सुविधा मिलती है। और दोस्तों इसका जो है क्रिकेट के एक महान स्पिनर शेन वॉर्न इनका ब्रांड एम्बेसडर है, तो इससे ये पता चल जाता है कि एक रिलायबल और सेफ वेबसाइट है। डफावेट दोस्तों आपको एक खास फीचर देता है, कैश आउट फीचर। इसकी मदद से आप जो है अपने बैट को कभी भी सेटल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप हार सकते हो तो आप अपने लॉसेस को जो है मिनिमाइज भी कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 160% का जो है बोनस मिलता है फर्स्ट डिपॉजिट पर डफावेट स्पोर्ट्स। सो दोस्तों आज ही अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए डाउनलोड कीजिए डफावेट एप्लीकेशन को, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। और दोस्तों याद रखिएगा, IPL भी जल्द आ रहा 2021। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आज सुबह से मैं देख रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पर काफ़ी सारा DMs आ रहा है कि हमारा वॉच टाइम घट गया, वॉच टाइम कम हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारा कमेंट्स भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है। तो यहाँ पर दरअसल हुआ ये है कि अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉच टाइम जो है, पहले आप लोगों को जो YT स्टूडियो ऐप होता था वहाँ पर आपको वॉच टाइम दिखता था, व्यूज़ दिखता था, सब्सक्राइबर चेंजेस दिखता था और योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये चार ऑप्शंस आप लोगों को दिखता था। तो पहले जो होता वॉच टाइम था वो आपको ऊपर में ही दिखता था और वो मिनट्स में दिखाता था। मान लीजिए आपका कितना मिनट वॉच टाइम आया है, लाइक 4000 घंटा पहले, जैसे 4000 घंटा हमें वॉच टाइम ज़रूरत है हमारा मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए, तो उसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, 4000 घंटे को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका होता है 240,000 मिनट्स। तो पहले वॉच टाइम मिनट्स में दिखता था ऊपर पे, ठीक है, 40,000 मिनट्स या फिर 50,000 मिनट्स आपको वॉच टाइम आया है। लेकिन यही वॉच टाइम को अब जो है आप YT स्टूडियो ऐप पे जाके देखोगे तो आपको आवर्स पे दिख रहा है, मतलब घंटा के हिसाब से दिखा रहा है। तो इसीलिए मान लीजिए आपका अगर 40,000 मिनट था तो उसको घंटा में डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो आपका मिनट घंटा में आ जाएगा डिवाइड करने से, तो अभी घंटा में दिखा रहा है। इसीलिए आप लोग को लग रहा है कि कम हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग समझना चाहिए कि वैसा कुछ भी मैटर नहीं है, यहाँ पर घंटा में दिखा रहा है इसलिए आपको कम दिखा रहा है, लेकिन कम नहीं है। आप उसको जितना भी दिख रहा है आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना तो मिनट्स में निकल जाएगा। तो ये है पहला अपडेट, जिससे कि काफ़ी सारे जो है क्रिएटर डर भी गए हैं कि मेरा वॉच टाइम अचानक से कैसे घट गया। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा सीनू के बारे में, आप लोग पता ही होगा, वो भी बोल रहा था आज कि मेरा वॉच टाइम कम हो गया, लेकिन वॉच टाइम कम नहीं हुआ है, सबके साथ ये सीन है, आवर्स में दिखा रहा है। ये पहला अपडेट था। एंड गाइस, अभी एक दूसरा अपडेट आया है YT स्टूडियो ऐप पे, कुछ दिन पहले ही आया है, लेकिन उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये अपडेट क्या है, देखिए मैं पहले एक वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना वीडियो ओपन कर लिया और इसके मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमारा रियल टाइम व्यूज़ दिखता था, वीडियो का वॉच टाइम दिखता था, व्यूज़ दिखता था, फिर रेवेन्यू दिखता था और ऑडियंस रिटेंशन ये दिखता था। लेकिन बीच पे अभी एक ऑप्शन और आ गया है RPM, लास्ट 28 डेज, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो RPM जो है ये नया आया है, ये पहले नहीं था। तो इस RPM का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे देख सकते हो मेरा RPM लिखा हुआ इस वीडियो का $0.74। तो ये RPM आखिर है क्या, काफ़ी सारा आप लोगों का क्वेश्चन, ये डाउट चल रहा है काफ़ी लोगों का। तो RPM का मतलब, सबसे पहली बात कि RPM का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू पर माइन। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग मेरा इस वीडियो का अर्निंग देखिए, इस वीडियो का व्यूज़ सबसे पहले देखिए, व्यूज़ है 161,000, ठीक है, 161 के, और इसका अर्निंग हुआ है $109, 0.64 है, तो मैं 109 ही इसको बोल रहा हूँ। और इसका RPM लिखा हुआ है कि लास्ट 28 डेज में जो है $0.74 है। इसका मतलब ये है कि पर 1000 व्यूज़ में मेरा कितना अर्निंग हुआ है इस वीडियो पर, 161 के व्यू है उसमें $109 बना है। मतलब क्या है कि पर 1000 व्यूज़, 1000 व्यूज़ पे मुझे YouTube इस वीडियो पे दिया है $0.74, मतलब $1 से $0.26 कम है, मतलब थोड़ा सा कम है, अप्रॉक्स $1 आप मान सकते हो। तो इतना है पर 1000 व्यूज़ पे इतना दिया हुआ है। तो यही है RPM का मतलब, ज़्यादा कुछ है नहीं,
उतना तामझाम आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये शो कर रहा है कि 1000 व्यूज़ पे आपको कितना अर्निंग हुआ है। ये नहीं भी दिखाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है तो भी ठीक है। तो बस जस्ट ये आपको एक क्लियर डेटा देने के लिए आया है अपडेट, बाकी ऐसा कुछ खास बात नहीं है इस पर। RPM पे बस इतना ही है कि आपको पर 1000 व्यूज़ पे कितना डॉलर अर्निंग हो रहा है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये दोस्तों दो जो है इंपॉर्टेंट अपडेट था YT स्टूडियो ऐप पे। बाकी अभी नया नया अपडेट इसमें और भी बहुत सारा आया है, लेकिन उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी कुछ ऐसा आता है जो कि बताना जरूरी होता है तो ही मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। सो आई होप आज की इस वीडियो पे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। आप लोग अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आप लोगों को किस किस को ये सारी चीज़ें पता था वो भी बता सकते हो। तो आई होप गाइज आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।